तो क्या हाल है दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GTA 5 के एक नए एपिसोड में। यार पहले वाले एपिसोड में आपने देखा होगा कि जो डेविन है यार, वो माइकल और अपने फ्रैंकलिन और टेवर भाई को एक मिशन देता है जिसमें यार बैंक का ट्रक को उन लोगों को लूटना होता है। और यार वो लोग बहुत ही बखूबी से वो उस मिशन को करते हैं और ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इन लोगों को एक नया मिशन देता है। यार इन लोगों के बीच में यहाँ पे डिस्कशन चल रहा होता है कि यार एक मतलब डेविन को यार दो सुपर कार चाहिए होती है और वो फ्रैंकलिन को बताता है कि यार तुम कहीं से भी वो कार लेकर आओ, तुम्हें कहाँ से लेना है ये सब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, बस तुम लोग यार लेते आओ। और जब वो डिस्कशन चल रहा होता है अपने ट्रेवर भाई वहां पहुंच जाते हैं, बोलते हैं कि यार क्या डिस्कशन चल रहा है मुझे भी तो बताओ। तब डेविन बोलता है कि यार कुछ नहीं, बस तुम लोग को एक कार लेकर आनी है मेरे लिए, दो कार लेकर आनी है, सुपर कार है वो। और अपना ट्रेवर भाई बोलते हैं यार बस इतनी सी बात है यार, वो तो हम लोग लेकर आ जाएंगे। और अपने डेविन जो है वो माइकल को भी वहां पे बुला लेते हैं और माइकल को देखकर अपने ट्रेवर भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते हैं यार अपना भाई आ गया है, अब तो मिशन में और भी मजा आएगा। तो इतना बोलने के बाद वो जो असिस्टेंट होती है वो बोलती है कि ठीक है तुम लोग मिशन में लोगो, बाकी मिशन की जितनी भी डिटेल है मैं तुम लोग को व्हाट्सअप कर दूंगी। यार GTA 5 में भी अपना व्हाट्सअप चलता है। और फिर माइकल बोलता है कि देख यार ट्रिवर इस मिशन में थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि यार हम लोग गेटअप चेंज करने वाले हैं। क्या गेटअप है यार, आप लोग के लिए सरप्राइज है क्योंकि वीडियो को आप लोग पूरा देखोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। अब तो अपना फ्रैंकलिन पूछता है कि यार डेविन मेरे को कोई तगड़ी कार दे दे यार जिससे मैं उन लोग के पास जाऊँ रेसिंग करने के लिए। तो वो डेविन बोलता है कि ठीक है वो कार है मेरी ले जा। और फिर उसके बाद अब वो बोलता है कि ठीक है अब तुम लोग इस मिशन को कंप्लीट करो मैं निकलता हूँ, और वो चला जाता है। और अपना फ्रैंकलिन भाई भी कार लेता है और वहां से रवाना हो जाता है। और फिर जब वो रास्ते में होता है तब वो माइकल को कॉल करता है, बोलता है यार माइकल मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, तुम यार तुम देख लेना यार अगर जहाँ थोड़ा सा बात बिगड़ेगा। माइकल बोलता है यार ठीक है डरने की बात नहीं है, हम लोग यार सब कुछ संभाल लेंगे, तू बस उन लोग के लॉन्डे के पास पहुंच और उन लोगों को कैसे भी उत्साह रेसिंग के लिए। और अपना फ्रैंकलिन वहां पहुंच जाता है और बोलता है कि यार तुम लोग की कार तो देखने में बहुत ही अच्छी है, चलने में भी अच्छी है कि नहीं। तो तब उन लोग का दोस्त बोलता है कि यार ये बहुत ज्यादा बोल रहा है, चल इसके साथ रेसिंग किया जाए। तो वो लल्लू लोग मान जाते हैं रेसिंग के लिए, अपना फ्रैंकलिन खुश हो जाता है और इन लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा तगड़ा रेसिंग होता है। और यार मतलब फ्रैंकलिन तो यार देखकर घबरा जाता है क्योंकि यार उन लोगों की सुपर कार होती है बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है और वो बहुत ही ज्यादा आगे निकलने लग जाते हैं उससे। फ्रैंकलिन यार घबरा के वो डायरेक्ट माइकल को कॉल कर देता है, बोलता है यार माइकल इधर थोड़ा सा बात ना बिगड़ रहा है भाई, तू अब आ जा यार अब मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो अपना माइकल यार वहां पे माइकल और ट्रेवर रेडी होते हैं पुलिस के गेटअप में और अपने माइकल बॉय बोलते हैं कि ठीक है टेंशन मत ले लौंडे मैं आ रहा हूँ। फिर अपने माइकल बॉय और ट्रेवर निकल जाते हैं उन लोग के पीछे, उन लोग का पीछा करते हैं और बोलते हैं कि यार रुक जाओ यार तुम लोग, क्योंकि यार इसमें वो लोग अभी पुलिस का गेटअप कर लिया है ना कि पुलिस वाले वहां, तो यार वो लोग ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं तो ये लोग अपना रुकवा सकते हैं। इन लोग का माइंड बहुत ही ज्यादा शार्प है इस गेम में यार, जो मतलब परफेक्ट वाला चोर बोलते हैं ना प्रोफेसर वाला, वही है ये लोग इसमें। अब जैसे ये लोग अब पुलिस का गेटअप ले लिए हैं, अब पुलिस का गेटअप लेकर अगर उन कार वालों के पास भी जाएंगे ना और कार वालों को बोलेंगे कि तुम लोग ओवर स्पीडिंग है जो भी है कर रहे थे इसके कारण हम तुम लोग को रुकवा रहे हैं, और वो लोग यार रोक भी देंगे क्योंकि यार पुलिस से तो हर कोई डरता है। यार कार वालों को रोक ही लिया यार, मेरे को लग रहा है फ्रैंकलिन बोला होगा यार भाई रुक जाते हैं नहीं तो ये लोग पुलिस वाले हमें छोड़ेंगे नहीं। और रुकवाने के बाद वो दोनों जाते हैं उन कार वालों के पास क्योंकि यार इन लोगों को तो कार लूटनी है, तो थोड़ा बहुत डांट लगाते हैं, बोलते हैं तुम लोग ओवर स्पीडिंग क्यों कर रहे हो। और यार वो लोग कार लूट लेते हैं और लूटने के बाद फ्रैंकलिन को माइकल बोलता है कि यार अब बता दे उस बंदे को डेविन को बता दे कि हमने कार लूट लिया है और कहाँ लेकर आना है कहाँ नहीं। ठीक है फ्रैंकलिन कॉल करता है उसके असिस्टेंट को, बोलता है कि यार कार कहाँ लेकर आना है ये हमें बता दो। तो असिस्टेंट बोलती है कि ठीक है तुम लोग यार पुरानी हवेली पे आ जाओ, अपना यार इस गेम में भी पुरानी हवेली है। और वो लोग यार कार को लेकर फटाफट पुरानी हवेली पे पहुंच जाते हैं और माइकल और ट्रेवर भी वहां पहुंच जाते हैं जल्दी से। और माइकल बहुत ही तगड़ी कार चलाता है, ट्रिप मारा है आके बंदे ने। यार ये देखकर डेविन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि यार इन बंदों ने क्या कमाल कर दिया है, और वो सबसे हाईफाई लेने लग जाता है और इतना ज्यादा खुश हो जाता है। फ्रैंकलिन को बोलता है कि यार मैं
मेरे पास और भी बहुत सारे मिशन है, मैं तुम लोग को वो सब मिशन दूंगा। ट्रिवर बोलता है कि ठीक है यार, तुम मिशन तो देते रहना, लेकिन यार कुछ इसका पैसा भी तो दे दे यार, अब इतना हमने काम किया है, इसका पैसा कौन देगा। तो वो उस पर गुस्सा हो जाता है। फ्रैंक डेविन बोलता है कि ठीक है यार चल, मैं दे दूंगा तेरे को पैसा। फिर से फ्रैंक बोलता है कि चल ठीक है यार, अभी हमें इसके साथ बहुत ही काम करना है, छोड़ इसको, अभी बाद में दे दिया जाएगा। तो यार आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा होगा हमें कमेंट में जरूर बताना, और यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, आप लोग की सब्सक्राइब की हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्योंकि यार इसमें अभी भी 97% नॉन सब्सक्राइबर वीडियो पूरा देखते हैं, और यार सिर्फ 20% वीडियो अपने सब्सक्राइबर देखते हैं यार। तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, तो लाइक करो यार, क्योंकि ऐसी स्टोरी मैं आप लोग के सामने और लेते आऊंगा, आगे भी हमारा कंटिन्यू रहेगा यार ऐसी स्टोरी में। मतलब पूरा तो नहीं आप लोग को एक्सप्लेन कर पाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आप लोग को एक्सप्लेन सबको करूंगा। तो दोस्तों आगे क्या होगा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।